ऊपर याद करने का मतलब क्या है? तो कहता ऊपर याद करो, एक दिन क्लास आता गणनीय है, बाबा का पाठ दर्द कर रही है, दुर्गम में चल रहा था, बाबा मेरी के संभाल में आए हुए थे। उसी समय एक बहन बाबा को भोग लगा लेते हैं, भोग दो बार लगता है दोपहर और शाम का, यहाँ बाबा का कमरा है पांडव बाबा का कमरा भी लगता है। तो दो चार बाहर बैठे थे, उन्होंने हंसी में आप तो यहाँ आया हुआ है, काका क्या भोग यहाँ फोटो देने लगा है। और बच्चों को वतन में भाषण लेगा, लेकिन परमधाम की जो शक्तियां हैं, पवित्रता की जो शक्तियां हैं, वो घर जैसी कहीं भी नहीं है। ऊपर जाएगा तो केवल शिव बाबा की शक्तियां नहीं है, लेकिन जिस स्थान पर कोई व्यक्ति रहता है उस स्थान का वायुमंडल चार्ज हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको ध्यान देने के बाद बहुत गहरी सुना रहा हूं, जैसे मधुबन का वायुमंडल आज मम्मा बाबा दादी साकार में नहीं है, लेकिन उस स्थान पर जाते ही आपको क्या अनुभूति होती है? बहुत शांति, बहुत पवित्रता, बहुत स्नेह, ऐसा लगता है जैसे कोई खींच रहा चुंबक है। और केवल ब्राह्मण बच्चों के लिए नहीं, अगर उस स्थान पर कोई अज्ञानी आत्माएं भी प्रवेश करते हैं, तो कुछ पता नहीं वहां के बारे में, तो उनको बहुत गहरी प्रेम अनुभूतियां होती है। यदि यहाँ पर करंट है, यहाँ कोई शक्ति है, बाबा की दादियों की तपस्या की पहली शक्ति है। अगर आप कभी बहुत ध्यान दो तो शांति स्तंभ से लेकर के बाबा की कुटिया तक, जहाँ ब्रह्मा बाबा पैदल करते तैर करते, एक दिन हम लोग तो जो थल्ले में ना ऑफिस के आगे, शायद आप लोगों ने जो हमने देखा है पांडव हम देखा हो, तो हम ऐसे ही बैठे थे चार पांच भाई, तो दादी जी पैदल करते, दादी का काश अपने ऑफिस के गेट तक पैदल जाती आती जैसे चक्कर लगाते खाने के बाद। तो दादी अच्छी थी, तुम लोग यहाँ ही क्यों बैठते हो? तो दादी यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, क्यों अच्छा लगता है? दादी को प्यार से हम लोग दूरियां करते, क्यों अच्छा लगता है? तो दादी को मुझे पता नहीं है, बहुत अच्छा कहती है, तुमको पता है यहाँ एक पहले पहाड़ी थी, और रोज बाबा सवेरे 4 बजे उठकर इस पहाड़ी पर खड़ा होता था, कोई इंच जैसा जो जैसे टेकरी होती है, और यहाँ खड़े होकर के हम सब बाबा को घेर लेते थे ऐसे, और बाबा ऐसे शक्ति प्रकाश देता, दृष्टि देता सवेरे 4 बजे। तो ये स्थान बाबा की तपस्या का स्थान है, इस स्थान पर बड़े पवित्र वाइब्रेशन है, इसलिए स्थान आज चुंबक बना हुआ है, दुनिया के लिए बहुत बड़ा लाइट हाउस है। जो आत्माएं जिस स्थान पर रहती हैं, अगर वहां पर बहुत पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिव संकल्प चलाती है, बहुत सकारात्मक चिंतन है,
यदि आत्मा जब अंदर प्रवेश करेगी तो जब तक वो व्यक्ति मिले या न मिले, लेकिन स्थान पर जो पवित्रता की, सने की, शक्ति की, योग की वाइब्रेशन बहे हुए हैं, वो आने वाली आत्माओं को अपने आप आकर्षित करेंगे, अच्छे अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, सभी को कहते हैं, कि आप जिस स्थान पर निवास करते हो या जो आपका तपस्या का स्थान क्लासरूम है, आपका वो स्थान इतना योग से, प्रकंपन से, पवित्रता के वाइब्रेशन से भरा होना चाहिए, जो अपवित्र नेगेटिव गति वाली आत्माएं पांव रखते ही अपने विचारों को परिवर्तन करें, उनको संकल्प भी ना आए कि मुझे कुछ ऐसा गलत करना है। विचार चेंज हो जाए, भावनाएं चेंज हो जाए, स्थान व्यक्ति की स्थिति को परिवर्तन कर सकता है। इसलिए बाबा कहता है, तुम परमधाम में आकर के